बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं जाहिद अस्कर हूँ, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राबिया निज़ामी साहिबा के साथ, जो कि पीटीआई की सिंध असेंबली में मेंबर हैं और बहुत ज़्यादा काम करती हैं एजुकेशन पे और चाइल्ड राइट्स पे और जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे। आज हम उनके पास इसलिए आए हैं कि चूँकि इलेक्शन कंटोनमेंट के 2021 अनाउंस हुए हैं, तो हम राबिया से जानना चाहते हैं कि इनके ख्याल से जो कंटोनमेंट के इलेक्शंस हैं उनकी अहमियत क्या है। सलाम, थैंक यू गाइस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज नॉर्मली हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है कि हम बेसिकली जो जनरल इलेक्शंस हैं उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और जो जो लोकल बॉडीज हैं जिसके अंदर कंटोनमेंट इलेक्शंस भी आ जाते हैं उनको हम इतनी सिग्निफिकेंट नहीं देखती जाती, ख़ासतौर से वोटर्स के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं। तो समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास बेसिकली जो मुल्क में निज़ाम है गवर्नेंस का, वो थ्री टीयर है, जिसके अंदर सबसे पहले आपका जो नेशनल लेवल के ऊपर आ जाता है फेडरेशन, जिसे हम कहते हैं, उसके जनरल इलेक्शन के थ्रू जो है वो मेम्बर सेलेक्ट होते हैं। इसी तरीके से फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आ जाती हैं जो कि ऑटोनमस होती हैं, कुछ हमारे डिफॉल्ट सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एजुकेशन, हेल्थ की बड़े अमेंडमेंट्स के बाद उस अमेंडमेंट के बेसिस के ऊपर काफ़ी सारी बड़ी लिस्ट है जो कि बेसिकली डिफॉल्ट हो चुकी है और सूबे अख्तियार रखते हैं अपने फैसले करने के लिए और गवर्नेंस रन करने के लिए भी। इसी तरीके से फिर थर्ड ईयर गवर्नमेंट आती है जो कि बेसिकली लोकल बॉडीज की सूरत में है, उसी फ्रेमवर्क के अंदर कंटोनमेंट के इलेक्शंस भी आते हैं। ये भी एक तरह से आसान लोगों के लिए अगर समझाया जाए इसी अल्फाज के अंदर, तो ये भी लोकल बॉडीज हैं जिसको हम काउंसलर्स कहते हैं या जिसके अंदर बेसिकली हमारे लोकल लेवल के ऊपर काउंसलर्स इलेक्ट होते हैं। और जो असल काम है अगर देखा जाए गवर्नेंस के अंदर, जो फील्ड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर जो लेवल पर जो काम की रिक्वायरमेंट है, जिसमें सिविक सर्विसेज आ जाती हैं, एक शहरी की जो ज़रूरियात हैं आ जाती हैं, वो बेसिकली ये टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डिलीवर करती है, जिसको हम लोकल बॉडीज़ की सूरत में कहते हैं। कंटोनमेंट के इलेक्शंस भी लोकल बॉडीज़ के ही लोगों को इलेक्ट करने के लिए होता है। तो अभी कंटोनमेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं, इसके बाद आई एम श्योर के सिपोर्टेड लोकल बॉडीज़ के भी इलेक्शन होने, ताकि कंप्लीट लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो फॉर्म हो सके। इसलिए ज़रूरत है कि लोगों को रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आपका जो सफाई का निज़ाम है, आपका बेसिकली सड़कों का जो निज़ाम है, गली मोहल्लों के अंदर जो सर्विसेज हैं, जो सिविक सर्विसेज जिसे हम कहते हैं, राइट ऑफ सिटीजन से रिलेटेड जो डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड पे हमें मिलनी है, वो ये डोमेन रिस्पॉन्सिबल है उसको डिलीवर करने का। इसलिए बहुत ही अहम इंजन है फॉर गवर्नमेंट्स।